सत श्री अकाल जी सारे नूं, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर रिविजन मॉड्यूल फॉर योर पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। जो तुम ये लैक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो तुम जानते हो मैं तुहानू जीके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा, रिविजन करवा रहा थ्रू MCQs, राइट। एक लैक्चर आप कवर कर चुके हैं थ्रू MCQs, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक स्पेस साइंस, वो आप MCQ राही कवर कर चुके हैं। अज हैगा लैक्चर टू, तो लैक्चर टू के असी कवर करांगे डिफेंस टेक्नोलॉजी ते न्यूक्लीयर साइंस। ऑलराइट, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ते न्यूक्लीयर साइंस का जिहड़ा पोर्शन हैगा जिहदे विच सवाल काफ़ी ज़्यादा काफ़ी MCQs बन जाते हैं, ठीक है, वो आप MCQs राही कवर करांगे। तुहाडी रिविजन नाल दी नाल होंदी जाऊगी ये दोवां टॉपिक्स की, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी दे लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन ओवर न्यूक्लियर फिशन एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ तुहानू पता होना चाहिए कि जिहड़ी न्यूक्लियर एनर्जी हैगी है ना, वो प्रोड्यूस होंदी है दो तरीके नाल, ठीक है। एक होंदा फिशन, दूजा होंदा है फ्यूजन। जिहड़ा न्यूक्लियर फिशन है ना, वह बहुत ही हैवी न्यूक्लियस नू ब्रेक करता है, तो नाल दे नाल एनर्जी रिलीज होंदी है। जिद्दां अपना यूरेनियम का न्यूक्लियस हैगा, यह बहुत हैवी न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर हैगा 235, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस है। जब हैवी न्यूक्लियस इन्ना हैवी हो जाता है कि वह अनस्टेबल हो जाए, ठीक है, तो अनस्टेबल होने करके वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस ब्रेक करके स्मॉलर न्यूक्लियस बना देता है, स्मॉलर एटम्स बन जाते हैं, तो नाल दे नाल बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसनों असी न्यूक्लियर फिशन आखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है टू वेरी लाइट न्यूक्लियाई, जिदा हाइड्रोजन तो लाइट का कोई न्यूक्लियस नहीं हैगा, है ना, तो टू लाइट न्यूक्लियाई जब कंबाइन करके हैवीयर न्यूक्लियस बना देंगे, जिदा दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके हीलियम बना दे, ठीक है, इसनों असी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तुसी देख ना तो भी पता लग रहा है, फिशन मतलब ब्रेकअप, ठीक है, तो फ्यूजन का मतलब की है, फ्यूजन का मतलब है कंबाइन होना, ठीक है ना। साढ़े मतलब वर्ल्ड के विच साइंस इन्नी कु तरक्की तो कर चुकी है कि असी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू न्यूक्लीयर फिशन, बट न्यूक्लीयर फ्यूजन यूज करके असी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। साइंस अजे तक उस लैवल तक नहीं पहुंची, दो वी आर स्लोली रीचिंग देयर, बट वी कैनॉट यूजफुली एक्सप्लॉयट न्यूक्लीयर फ्यूजन टू प्रोड्यूस इलैक्ट्रिसिटी। पर तुहानू पता है न्यूक्लीयर फ्यूजन रिएक्शन होंदे हैं, नेचर दे विच जरूर होंदे हैं। जिहड़े स्टार्स होंदे ना, जिदा अपना सन हो गया, स्टार्स एनर्जी किदां प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्स लाइक सन प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू न्यूक्लीयर फ्यूजन। बट साडे कोल इहो जिही टैक्नोलॉजी नहीं आई कि असी यूजफुल परपजेज दे लई इलैक्ट्रिसिटी दे लई न्यूक्लीयर फ्यूजन दे नाल इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकन, ठीक है, इहो जिही टैक्नोलॉजी हजे तक नहीं आई। खैर तुसी दसना कि न्यूक्लीयर फ्यूजन जे साडे कोल टैक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, जे साडे कोल टैक्नोलॉजी आ जाती है, वर्ल्ड दे कोल टैक्नोलॉजी आ जाती है न्यूक्लीयर फ्यूजन की, तो पीपल से साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज़ वे बैटर दैन न्यूक्लीयर फिशन। जे अपन न्यूक्लीयर फ्यूजन नू यूजफुली एक्सप्लॉयट करना सीख गए ना, तो न्यूक्लीयर फिशन की तो लोड़ ही नहीं पैनी, न्यूक्लीयर फ्यूजन ही सब तो वधिया लगना सानू, ठीक है। वाई वाई इज इट एडवांटेजियस, इट्स हाइड्रोजन आइसोटोप फ्यूल्स आर रिलेटिवली अबंडेंट दैन कॉमनली यूज न्यूक्लीयर फिशन फ्यूल्स। देखो न्यूक्लीयर फिशन जे तुहानू कराना ना, तो फॉर फ्यूल यू नीड यूरेनियम। मैं दस्या ना न्यूक्लीयर फिशन की होंदा, हैवीयर न्यूक्लीयस नू ब्रेक करना, तो हैवीयर न्यूक्लीयस हैगा यूरेनियम। ना यूरेनियम वर्ल्ड दे विच ना इन्ना अबंडेंट रिसोर्स नहीं है, बहुत घट पैदावार है इसकी, ठीक है, पैदावार तो नहीं बट बहुत घट हैगा, बहुत घट मतलब बहुत ज़्यादा ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेयर रिसोर्स है, ठीक है। दुनिया के विच यूरेनियम के रिजर्व बहुत घट ने, इस करके तुहाडे कोल फ्यूल की शॉर्टेज हमेशा रहती है एज फार एज न्यूक्लीयर फिशन इज कंसर्न। बट जे आप फ्यूजन की गल करिए, फ्यूजन के विच तां तुहानू फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन चाहिए, तो सारी दुनिया के विच हाइड्रोजन मौजूद हैगा, अबंडेंट रिसोर्स है हाइड्रोजन। वाटर हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन का ही तो बनया, जे तुसी ये टेक्नोलॉजी लै आंदे हो कि तुसी वाटर नू ब्रेकअप करके, वैसे तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करदी है कि तुसी वाटर मॉलिक्यूल नू ब्रेकअप करके हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन बना लो, राइट, तो वाटर कितना अवेलेबल है, तो उस दे नाल नाल हाइड्रोजन कितना अवेलेबल हो जाना,
है ना। तो जे तुसी न्यूक्लियर फ्यूजन नू यूजफुली एक्सप्लॉयट कर लो ना, जे न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी आ जाती है तुहाडे कोल, तां हाइड्रोजन की कमी तो है नहीं दुनिया के, इसे करके फ्यूल की कदे कमी नहीं, होनी। बट फिशन के यूरेनियम की कमी हमेशा रहती है, ठीक है। इसे करके दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट्स हाइड्रोजन आइसोटोप फ्यूल्स आर रिलेटिवली अबंडेंट दैन कॉमनली यूज न्यूक्लियर फिशन फ्यूल। तो न्यूक्लियर फिशन फ्यूल केड़ा है, तुसी याद रखना, यूरेनियम नू मैक्सिमम तौर पर असी यूज करते हैं फॉर फिशन, ठीक है। तो इसे करके दिस इज बेटर, फ्यूजन रिलीजेज मोर एनर्जी दैन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन फॉर इक्वल फ्यूल मास। तो दूजी गल देखो, स्टार्स दे विच, सन दे विच न्यूक्लियर फ्यूजन नाल एनर्जी बनती है, फिशन नाल नहीं, फ्यूजन नाल, है ना। तो यह मनिया जाता है, तो प्रूवन भी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन। सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल तुसी लो न्यूक्लियर फिशन दे विच, ते सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल लो न्यूक्लियर फ्यूजन दे विच, न्यूक्लियर फ्यूजन वुड प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन फिशन। इसे करके वी शुड यूज दिस, ठीक है। तो तीजा एक होर फर्क मैं दसदा, तीजा एक होर एडवांटेज फ्यूजन का ओवर फिशन, जब असी न्यूक्लियर फिशन करते हैं ना तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलता है, ठीक है। पर फ्यूजन दे विच रेडियो एक्टिव वेस्ट ही नहीं निकलता, तुसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करना है, हीलियम बनना। बट फिशन दे विच यूरेनियम ना टुट के दो मतलब लाइटर न्यूक्लियाई बना दिंदा है, ते उन्हां चों एक न्यूक्लियाई तां रेडियो एक्टिव हुंदा है, तां रेडियो एक्टिव इज नॉट गुड फॉर हैल्थ। असीं जानदे हां हिरोशिमा नागासाकी बाद के लोकां दे कोल, लोकां दी जनरेशन्स तबाह हो गई बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, है ना। इसे करके न्यूक्लियर फिशन रिलीजेज रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसनों डिस्पोज ऑफ करना एनवायरमेंट दे विच बहुत ज़्यादा हानिकारक हैगा, ठीक है। बट फ्यूजन दे विच कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है। तो तीजा एडवांटेज मैं एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन दे रहा तुहानू, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया सी, हाइड्रोजन रिलेटिवली अबंडेंट है, फ्यूल की कमी नहीं पैनी कदे, तो फ्यूजन रिलीजेज मोर एनर्जी, बिल्कुल सही। इसे करके फ्यूजन इज मोर एफिशिएंट दैन फिशन। बट प्रॉब्लम की है, हजे तक साढ़े कोल टेक्नोलॉजी नहीं आई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, न्यू फ्यूजन रिएक्टर के एक्सपेरिमेंट तो जरूर चल रहे हैं, पर हजे तक वो डूएबल टेक्नोलॉजी नहीं आई साढ़े कोल, ठीक है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट पूछा सी, एडवांटेजेस बोथ है गए, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर टू, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ ये तो तुहानू पता ही होना चाहिए है, ठीक है। नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी की सी, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी सी कि जिन्हों को न्यूक्लीयर बंब है बिफोर इंडिया, इंडिया तो पहला जिन्हों को न्यूक्लीयर बंब सीगे, ठीक है, यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना ते रशिया, सिर्फ इन्हां कोल ही राइट है न्यूक्लीयर बंब प्रोड्यूस करन दा, बाकियां कोल राइट ही नहीं हैगा। ए सीगी नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, ते सारी कंट्रीज़ नू फोर्स किया जा रहा सी, 1967 दे विच ट्रीटी आई है, सारी कंट्रीज़ नू फोर्स किया जा रहा सी कि तुसी इस ट्रीटी ते साइन करो ते न्यूक्लीयर बंब बनाने छड़ दिओ। तां इंडिया इस तरह थोड़ी कर सकदा, इंडिया नू तो चाहिए सी न्यूक्लीयर बॉम्बस, राइट। इसे करके इंडिया वॉज नैवर अ मैंबर ऑफ नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, स्टिल नॉट अ मैंबर ऑफ नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी। तो बिकॉज इंडिया डिड नॉट साइन नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, तो एक ग्रुप बनया हुआ सी न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप, जिन्हें जिन्हों को कंट्रीज को वर्ल्ड जिन कंट्रीज को ना यूरेनियम पै हुआ है, उन्होंने ना अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप। उस ग्रुप दे विच ना न्यूक्लियर फ्यूल दी, न्यूक्लियर फ्यूल नू कंट्रोल किया जाता है, या न्यूक्लियर फ्यूल दी सप्लाई नू कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने कहता सी कि यार जिन्हें साइन की हुई है एनपीटी, असी उसनू यूरेनियम फड़ा देंगे, क्योंकि लोग कह रहे थे जेडे बाकी देश सीगे, वो कह रहे थे असी बंब नहीं बनाना, असी सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वास्ते, ठीक है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कह रहा है कि जे तुसी एनपीटी ते साइन कर देंगे फिर तो असी तुहानू दे दांगे यूरेनियम, पर जे तुसी एनपीटी ते साइन नहीं, एनपीटी ते साइन नहीं करते, फिर इसका मतलब है तुहाडी इंटेंशन खराब है, तुसी बंब भी बनाना, असी तुहानू यूरेनियम नहीं फड़ाना, है ना। इसे करके इंडिया नू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप चों बाहर कढ़दा सी, मतलब बाहर की कढ़ना सी, कदे आया नहीं सी इंडिया, ते इंडिया दी मेंबरशिप अज तक कंटेस्टेड है। बाकी यूएसए होर बथेरियां कंट्रीज हैगियां जिहड़ी इंडिया नू कह रही हैं कि हुण तां इंडिया ठीक है, इंडिया इंडिया रिस्पोंसिबल न्यूक्लियर पावर हैगा, तां इंडिया नू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप दा तुसी मेंबर बना दो, क्योंकि इंडिया यूरेनियम लैके ना न्यूक्लियर बंब ज़्यादा नहीं बनाऊगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इंडिया रिस्पोंसिबल न्यूक्लियर पावर है। बट चाइना नहीं मान रहा, तो चाइना एक तरीके दे नाल वीटो कर रहा है इंडिया की एंट्री न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सो इंडिया इज स्टिल नॉट अ मैंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो पहला इंडिया की एंट्री कानू रोकी जा रही थी,
इंडिया की एंट्री रोक रही थी बिकॉज इंडिया वॉज नॉट अ मैंबर। बट जब इंडिया के तालुकात यूएसए के नाल वधिया हो गए, यूरोपीयन यूनियन नाल वधिया हो गए, तो हुण ये कंट्रीज मन रही हैं कि इंडिया नूं एंट्री दे दिओ एनएसजी दी, बट चाइना अड़िया होया, तो इंडिया इज नॉट अ मैंबर ऑफ एनपीटी, इंडिया इज नॉट अ मैंबर ऑफ एनएसजी। ठीक है, एक हैगी है मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। नाउ एमटीसीआर की है, मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की है कि नवीं नवीं मिजाइलों बनाने लई ना तुहाडे कोल वधिया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए है। नाउ देर आर वेरियस कंट्रीज हू ट्रेड दीज टेक्नोलॉजीज। यूएसए कदे जापान नू एक्सपोर्ट कर देंदा, यूएसए कदे कोरिया नू एक्सपोर्ट कर देंदा मिजाइल बनाने की टेक्नोलॉजी, नवी मिजाइल बनाने की टेक्नोलॉजी, राइट। नाउ दिस एमटीसीआर एक्चुअली कंट्रोल्ड, दिस मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एक्चुअली कंट्रोल्ड द ट्रेड ऑफ मिजाइल टेक्नोलॉजीज बिटवीन कंट्रीज। तो यूएसए पहला एनिमी सीगा इंडिया का, तो इसे करके यूएसए इंडिया की एंट्री रोक रहा इस रिजीम के। बट जदों इंडिया दे ते यूएसए दे तलुकात वधिया हुए हैं तो इंडिया नू एंट्री दे दित्ती गई है। ठीक है, तो अज इंडिया एमटीसीआर का मैंबर हैगा, तो इंडिया इज अ मैंबर ऑफ एमटीसीआर। इस दे राही इंडिया कोल एक्सेस है नवीं नवीं मिजाइल टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, तो इंडिया इज अ मैंबर ऑफ एमटीसीआर, इंडिया इज अ मैंबर ऑफ ऑल दी अबव, ना ये तो ऑप्शन गलत है। तो इंडिया इज नॉट अ मैंबर ऑफ एनपीटी नॉर अ मैंबर ऑफ एनएसजी, बट इंडिया इज अ मैंबर ऑफ मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। एक होर ट्रीटी सी जिसनों असी कहते हैं, मैं एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा थानू, वासेनार अग्रीमेंट या वासेनार अरेंजमेंट। ये अग्रीमेंट सीगा टू कंट्रोल कैमिकल वैपनस, जिदा एनपीटी सी न्यूकलीयर वैपनस नू कंट्रोल करन लई, वासेनार अरेंजमेंट सीगा कैमिकल वैपनस नू कंट्रोल करन लई। ठीक है, कदे कदे कैमिकल वैपनस नाल तुसी वैपनस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना देंदे हो, है ना। तो इंडिया के कोल इस ग्रुप के भी एंट्री हैगी है, इंडिया वासेनार अग्रीमेंट का भी या वासेनार अरेंजमेंट का भी मैंबर है, जिस तरह ही इंडिया इज अ रिस्पोंसिबल मैंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट। तो इंडिया वॉन्ट्स टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ कैमिकल वैपनस। ठीक है, खैर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैगी है, अलोंग विद एमटीसीआर इंडिया इज अ मैंबर ऑफ वासेनार अग्रीमेंट, बट इस क्वेश्चन का आंसर सीगा सी। क्लीयर, अगे चलते हैं। Consider the following statements about International Atomic Energy Agency. ये जड़ी International Atomic Energy Agency है ना, this agency ensures कि जिन्ने भी देश ने जिन्हां कोल न्यूकलीयर टेक्नोलॉजी हैगी है वो उस न्यूकलीयर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके न्यूकलीयर बंब ना बना दें, न्यूकलीयर वैपनस ना बना। ठीक है, IAEA ensures that people who have nuclear technology use that technology for peaceful purposes only, that is electricity. Nuclear bombs de layi na use karan. Theek hai, te IAEA ensure karda hai, intergovernmental organization hai. Te kade kade IAEA tusi sunya hona is de bare news de vich, Iran di nuclear deal chal rahi hai, ta IAEA nu zimma ditta hoya hai ke tusi is de nuclear plant nu inspect karna regularly, ke Iran kite apna न्यूकलीयर रिएक्टर की आड़ न्यूकलीयर बंब तो नहीं बना रहा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की आड़ न्यूकलीयर बंब तो नहीं बना रहा, इस करके रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है सारे देशों के न्यूकलीयर रिएक्टर। ठीक है, ये IAEA का मैंडेट है। क्लीयर, नाउ इट इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशनस, ना इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएन। तो स्पेशलाइज एजेंसी तो बिल्कुल नहीं है, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसीज पता की हैं, पता कि हैं, ILO तुसी सुनिया होना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तुसी WHO बारे सुनिया होना, ठीक है, तुसी अपना FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बारे सुनिया होना, ये तो यूएन दी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जेडी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैगी हैं। ठीक है, IAEA इज नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। हाँ, बट IAEA अपनी रिपोर्ट्स नू, मतलब जो जेड़ी भी इसकी फाइंडिंग्स हैगी ना IAEA दी, ठीक है, उसनू रिपोर्ट जरूर करता है यूएन नू, बट यूएन दे कंट्रोल च नहीं है ये, ये याद रखना तुसी। इट इज़ नॉट ऑबलाइज टू रिपोर्ट टू एनी इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत। इट इज़ ऑबलाइज टू रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिदे परमानेंट मैंबर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल, तुसी पता ही है तुहानू इस दे बारे। तो इट इज ऑबलाइज टू रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशनस, बट इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशनस, नाइदर इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशनस, बस ये रिपोर्ट करता है, बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल नूं तो डेटा चाहिए है ना, सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी वास्ते ही बनी है यूनाइटेड नेशन की, उसनूं पता होना चाहिए कि कहड़ा देश न्यूकलीयर बंब बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो IAEA उसनूं रिपोर्ट जरूर करता है पर उसके अंडर नहीं काम करता।
ठीक है, याद रखनी है गल तुसी। तां इस क्वेश्चन का आंसर तो है नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। अ रैमजेट इंजन इज अ मोर एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर फ्लाइट विद इन द एटमोसफियर देन अ रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम। बिकॉज देखो रॉकेट नू फायर करन ली, रॉकेट दी प्रोपल्शन दे लई दो तरीके दे इंजन हैगे हैं। एक तो ट्रेडिशनल इंजन हैगा जिस दे विच तुसी फ्यूल पांदे हो, ते फ्यूल नू बर्न करन लई तुसी ऑक्सीडाइजर पा दिंदे हो। तुसी साइंस दे विच जरूर पढ़िया होना कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। बिना ऑक्सीजन दे कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती, कोई भी चीज जल नहीं सकती, है ना। ऑक्सीजन की लोड़ तो हैगी है। हुण जिहड़े रॉकेट दे विच फ्यूल बॉक्स हुंदा ना, उस फ्यूल बॉक्स दे विच वैक्यूम हुंदा है, ठीक है, एयर नहीं हुंदी। इसे करके बड़ी तकलीफ हुंदी है किसे फ्यूल नू बर्न करन लई। ते जे फ्यूल ही नहीं बर्न होएगा तो रॉकेट अगे किस तरह वधेगा, है ना। इसे करके फ्यूल नू बर्न करन वास्ते तुसी फ्यूल दे नाल ऑक्सीडाइजर भी पा दिंदे हो। ये ऑक्सीडाइजर दे विच हुंदा ऑक्सीजन, ते ये ऑक्सीजन सपोर्ट्स द कंबस्टन ऑफ दिस फ्यूल, ते रॉकेट अगे प्रोपेल हुंदा, ठीक है। नाउ ये ना ऑक्सीडाइजर तुहानू नाल लैके जाना पैंदा है फ्यूल दे, ते इसका वखरा वेट भी हुंदा है, ते तुहाडे पूरे रॉकेट नू इनएफिशिएंट कर दिंदा, उसका वेट वधा दिंदा है। ते तुसी जानदे हो जे किसी चीज़ ने फ्लाई करना है तो उसका वेट तो घट होना चाहिए फॉर एरोडायनामिक्स, है ना। इसे करके तुसी एक इहोजी टेक्नोलॉजी डिस्कवर करना चाहते सी जिस दे राहीं तुसी ऑक्सीडाइजर दी नीड नू ही एलीमिनेट कर दिओ, किसी होर थां तो ऑक्सीजन लै लिओ, ठीक है, ऑक्सीडाइजर ले जाण दी लोड़ ही नहीं, है ना। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ। ਨਾ ਉਹ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਫਿਊਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਰੋਕਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਰੋਕਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਏਅਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਪੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਨੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇੰਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਕਿਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਅਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਇੰਜਨ। ਏਅਰ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਏਅਰ ਬਰੀਦਿੰਗ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦਿਸ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨਾਲ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਐਸ ਵੈਲ ਟੂ ਬਰਨ ਫੂਡ। ਤੇ ਜਦ ਫੂਡ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਨ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਬਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਸ ਇਹ ਰੋਕਿਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਰੋਕਿਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਕਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਕਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੱਲ ਸਬਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸੋਨਿਕ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਸਕ੍ਰੈਮਜੈਟ, ਰੈਮਜੈਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਿਟ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੈਮਜੈਟ ਦਾ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੈਮਜੈਟ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਮਜੈਟ ਸਬਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਡਸ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆਕਸੀਜਨ ਫੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਲਾਈਕ ਰੋਕਿਟ ਇੰਜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਮਜੈਟ ਇੰਜਨ ਡਸ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਥਰਸਟ ਫੋਰ ਫੋਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਨਲਾਈਕ ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਕਟ ਇੰਜਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥਰਸਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਜਦ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਸਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। The only difference between scramjet and normal rocket engine is that it uses oxygen from outside. Baki sara kuch same hai gai. Ta it uses thrust, eh bhi galat hai gai. Ta ise karke none of the above. Jada ramjet engine hai, wo thrust use karda hai. Ramjet engine nu oxygen bhi chahidi hai. Bas fark ki hai gai, tusi yaad rakhna hai. Oxygen tusi baro atmosphere cho lende ho. Theek hai, is question da answer hai gai D. The next question. With reference to LIDAR, which stands for light detection and ranging, consider the following statement. ਹੁਣ ਲਾਈਡਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡਾਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰਸ ਪਲਸਿਸ ਫੈਂਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਪਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਡਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਡਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਿਓ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਰੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਡਾਰ ਦੀ ਪਲਸਿਸ ਫੈਂਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ। ਇਟ ਯੂਜਿਸ ਲਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਯੂਜਿਸ ਲਾਈਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਲਸ ਲੇਜ਼ਰਸ ਟੂ ਮੈਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਟੂ ਅਰਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਥਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅਰਥ ਐਂਡ ਇਟ ਸਰਫੇਸ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਲ ਥਰੀ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਿਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨਿਰਭੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਸ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਸਬਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਕ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਮਾਕ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਟਵਾਈਸ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਮਾਕ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰਾਈਸ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, 4 ਟਾਈਮਸ, 5 ਟਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ, ਸਬਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਕ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਸਬਸੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਕ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਸਾਡੀ ਸਬਸੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ। ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਟ ਫਲਾਈਜ਼ ਲੋ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਟ ਫਲਾਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਮਿਸਾਈਲ ਤਾਂ ਬਲਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਂਗ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ, ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਕ 1, 2, 3, 4, 5 ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭੈ ਬਾਰੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪਿਕ ਆਊਟ ਅ ਟਾਰਗੇਟ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਅਮੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭੈ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਸਬਸੋਨਿਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸੋਨਿਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬਸੋਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ।
ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਕੈਰੀਇੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ, ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਕੈਰੀਇੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਟਾਰਗੇਟ ਐਂਡ ਪਰਫੋਰਮ ਸੈਵਰਲ ਮਨੂਵਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਇੰਗੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1 and 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Consider the following statements about INS Vikramaditya. Now, INS Vikramaditya hega apna ek aircraft carrier. Tuhanu pata hona chahida aircraft carrier ki hunde hai. Sadi navy kol hega ek hi aircraft carrier hega, but hun nava aircraft carrier assi leke aa rahe hain jisda naam hega INS Vikrant. Te Vikrant de baad sade kol 2 aircraft carrier ho jane. Now, INS Vikramaditya sade kol already hai. INS Vikramaditya ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰੋਮ USSR, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਰੀਸਾਈਕਲ, ਰੀਯੂਜ਼, ਰੈਨੋਵੇਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ INS Vikramaditya ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਬਿਲਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਬਿਲਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? INS Vikrant, ਜਿਹੜਾ ਬਸ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਡ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ, ਨਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ INS Vikrant ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰਲੀ ਪਾਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਐਟ, ਨਾ ਨਾ, 2013 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 2013 ਦਾ INS Vikramaditya ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਧਨੁਸ਼ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਕੰਸਿਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ, ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ। ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਥੋੜੀ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇਵਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, ਨੇਵਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨੇਵਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਨੇਵਲ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 3 ਦਾ ਨੇਵਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨੁਸ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੇਪੇਬਲ ਮਿਸਾਈਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 3 ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰਲੀ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 3 ਦੀ ਵੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਹੈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ 500 to 1000 kg। ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ 1 ਟਨ ਆਫ ਬੋਮਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਧਨੁਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 3 ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਨੁਸ਼ ਦੀ, 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਾਰਹੈਡ ਪੇਲੋਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 500 to 1000। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੇਪੇਬਲ, ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਸਰਵ ਕੈਰਿੰਗ ਅ ਪੇਲੋਡ ਆਫ ਓਵਰ 4 ਟਨ, 4000 ਕਿਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅੰਡਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਅਗਨੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਨਾਗ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮਿਸਾਈਲ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਨੁਸ਼ ਤਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 3 ਦਾ, ਤਾਂ ਧਨੁਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ
IGMDP ਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅੰਡਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 1 and 3 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ 9, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਰੋਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਾਈ DRDO ਫੋਰ ਦ ਯੂਜ਼ ਬਾਈ ਆਲ 3 ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਲ 3 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ, primarily for intelligence, surveillance and reconnaissance operations. ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ DRDO ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ, ਸਪਾਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰੁਸਤਮ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਭੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਬਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਏਅਰ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਿਹੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਿਹੰਤ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਸੋਰੀ ਸਬਮਰੀਨ ਸੀਗੀ, INS ਅਰਿਹੰਤ, ਹਾਂ INS ਅਰਿਹੰਤ ਆਪਣੀ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰੁਸਤਮ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ। Consider the following statements about Vajra. Now, Vajra is a offshore patrol vessel. A boat ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਐਡਵਾਂਸ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ INS Vajra। ਅਤੇ INS Vajra ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਫੋਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਫਟਰ ਬੰਬੇ ਅਟੈਕਸ, ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕਸ 26/11। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੈਪਨਸ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ INS Vajra ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, INS Vajra, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਇਰੇਟਸ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਸਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦ ਸ਼ਿਪ ਵਾਸ ਇੰਡੀਜਨਸਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਬਿਲਟ ਬਾਈ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ LNT, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਹਾਈਲੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ D ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕੰਸਿਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਸ਼ਾਹੀਨ 1A ਮਿਜ਼ਾਈਲ। ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹੀਨ 1A ਮਿਜ਼ਾਈਲ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ 1A ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ 1A ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ 1A ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਦੀ, 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡਸ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੇਪੇਬਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ 1A ਇਜ਼ ਅ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਐਂਡ ਵਾਸ ਏਮਡ ਐਟ ਰੀਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਓਨਲੀ 2। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡਕਟਿਡ INS ਕਰੰਜ। ਨਾਓ, INS ਕਰੰਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਮਰੀਨ ਮੇਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ। ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਬਮਰੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਬਮਰੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਮਰੀਨਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਸਬਮਰੀਨਸ ਆਰ ਆ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਬਮਰੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਬਮਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਜ ਕਰਕੇ ਸਮਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ,
ठीक है। जिहड़ी डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन हुंदी आ एक दो दिन थले ला के पानी दे विच थोड़ी देर दे विच इसनू उपर मतलब इसनू रिक्वायरमेंट हुंदी है इसदी के इसनू सरफेस ते आना है। पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की खास गल पता की है, दे कैन स्टे सबमर्ज विद इन वॉटर फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर सबमरीन की खास गल हुंदी है। तो इसे करके किसी भी नेवी नू न्यूक्लियर सबमरीन की लोड़ हुंदी है, बिकॉज सबमरीन डोंट वॉन्ट टू गेट डिटेक्टेड। तुसी नहीं चाहते ना कि एनिमी तुहानू डिटेक्ट कर ले, तो इसे करके तुसी सरफेस ते आना ही नहीं चाहते। पर डीजल इलैक्ट्रिक सस्ती तो हुंदी है सबमरीन, पर इसनू बार बार सरफेस ते आना पैंदा, न्यूक्लियर सबमरीन लोड़ नहीं। INS करंज जिहड़ी हैगी है वो तुहाडी डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन हैगी है, तो एक खास क्लास की डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन है जिसनों असी स्कॉर्पीन क्लास कहते हैं, क्योंकि इस डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन का डिजाइन ना फ्रांस तो आया सी, ते फ्रेंच ने डिजाइन का नाम रख्या होया सी स्कॉर्पीन क्लास। ठीक है, स्कॉर्पीन क्लास की है। इंडिया दे विच असी स्कॉर्पीन क्लास वर्ड नहीं यूज करते, असी कलावरी क्लास यूज करते, कलावरी क्लास, कलवारी क्लास कह दो। ठीक है, तो जे कित लिखा हुआ है कि INS करंज कलवारी क्लास है तो तुम सही मार्क करना है, स्कॉर्पीन क्लास है सही मार्क करना है, डीजल इलैक्ट्रिक हैगी है सही मार्क करना है, न्यूक्लियर पावर्ड हैगी है गलत मार्क कर देना है। INS करंज इज अ डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलैक्ट्रिक अटैक सबमरीन बेस्ड ऑन स्कॉर्पीन क्लास, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर मरीन प्रोपल्शन ना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बिल्कुल नहीं है, डाइविंग सपोर्ट वेजल नहीं है इसके को। ठीक है, ये डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन हैगी है स्कॉर्पीन क्लास की, या तुसी कह सकते हो कलवारी क्लास की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये टैंक्स नू तबाह करने लिए तुसी एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ना एक हैलीकॉप्टर वर्जन भी है कि तुसी हैलीकॉप्टर से माउंट करके टैंक्स के उत्ते फायर कर सकते हो। ठीक है, तो इस मिसाइल का नाम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है नाग। इंडिया की ना एक मिसाइल हैगी है जिहड़ी टैंक्स नू तबाह करती है, उसनू असी कहिंदे नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिवेलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो नाग का हैलीकॉप्टर वेरियंट आया है जिहड़ा हैलीकॉप्टर से माउंट करके तुसी टैंक्स से फायर कर सकते हो, उसका नाम है हेलीना। तो हेलीना नू तुसी दिता होया है इंडियन आर्मी के हैलीकॉप्टर्स नू। इंडियन आर्मी के कोल भी हैलीकॉप्टर्स हैगे हैं, तो इंडियन आर्मी नू भी चाहिए है, है ना। तो एक तो यह है हेलीना, हाँ, बट इंडियन एयरफोर्स कोल भी हैलीकॉप्टर्स हैगे हैं, तो इंडियन एयरफोर्स कोल भी एयरक्राफ्ट हैगे हैं। इंडियन एयरफोर्स नू भी तो लोड़ हैगी है नाग मिसाइल की, मतलब एयर टू सरफेस की। तो जे तुसी आर्मी नू प्रोवाइड की है हैलीकॉप्टर तो फायर करन लई हेलीना, तो इंडियन एयरफोर्स के कोल भी होनी चाहिए है। तो नाग मिसाइल का एयरफोर्स वेरियंट नू असी कहिंदे ध्रुवस्त्र, तुसी याद रखना है। इंडियन आर्मी कोल जिहड़ा हैलीकॉप्टर वेरियंट गया उसनू हेलीना कहिंदे आ, ते इंडियन एयरफोर्स कोले जिहड़ा नाग दा वेरियंट गया उसनू ध्रुवस्त्र कहिंदे आ। ठीक है, हेलीना इज द आर्मी वर्जन ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बिल्कुल सही। ध्रुवस्त्र इज द एयरफोर्स वर्जन ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बिल्कुल सही, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज इन इंडिया। इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, सही है ना, थोड़ा सा क्रेडिट दो अपनी कंट्री नू। सेकेंड लार्जेस्ट हैगी इंडिया की बाय परसनैल, तुसी वेपन्स नू नहीं देख रहे, तुसी बंदियां नू देख रहे हो किन्ने बंदे हैगे हैं किस दी, मतलब आर्मी दे विच। ठीक है, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री परसनैल। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट हैगा, टॉप ते कौन है, चाइना, ताई गलत हो गया। तेजस इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ना जी, तेजस तो हैगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैगा, मिसाइल थोड़ी हैगी है तेजस। तो बड़ा फेमस है, इंडिया ने आप डिवेलप किया है। जनरली इंडिया की एयरफोर्स की टेंडेंसी रही है बाहरों जहाज मंगा लियो, ये जिहड़ा तेजस हैगा ये इंडिया आप डिवेलप करके इंडिया ने अपनी एयरफोर्स के इंडक्ट किया तेजस, तो अगे भी असी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यह भी गलत हो गया। At present, the Indian Navy has around 150 vessels. Yes, ships ते vessels Indian Navy दे कोल 150 दे करीब हैगे हैं, around लिखा है ना, 150 दे करीब, तुहानू exact number याद रखने की लोड़ नहीं। Indian Navy दे कोल 150 दे around vessels हैगे हैं, ये बिल्कुल सही है। तुहाडे तो पुछे which of the above statements is are incorrect, ता 1 and 2 incorrect हैगा B। चलो जी आगे चलते हैं। Consider the following statements regarding cruise missile। मैं cruise missile बारे दस्सिया है ना,
नंबर वन, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैव स्पीड्स ग्रेटर देन मार्क 5, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैव स्पीड्स बिटवीन मार्क 2 मार्क 5। ना ध्यान नाल सुनियो गल मेरी, जे तुहाडी मिसाइल दी स्पीड हैगी है लैस दैन मार्क 5 तां इसनूं असीं कहांगे सॉरी मार्क 1। जे तुहाडी मिसाइल दी स्पीड हैगी है लैस दैन मार्क 1, लैस दैन स्पीड ऑफ साउंड, तां इसनूं असीं कहिंदे आ सबसोनिक। जे इस दी स्पीड हैगी है बिटवीन मार्क 2 टू 5, इसनूं असीं कहिंदे आ सुपरसोनिक। ते जे स्पीड हैगी है ग्रेटर दैन मार्क 5, ग्रेटर दैन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, इसनूं असीं कहांगे हाइपरसोनिक। ठीक है, तो सुपरसोनिक हैव स्पीड्स ग्रेटर दैन मार्क 5 ना, बिटवीन 2 टू 5। हाइपरसोनिक हैव स्पीड्स बिटवीन मार्क 2 टू 5 ना, ग्रेटर दैन 5। ठीक है, दोवे इनकरेक्ट ने बी। चलो जी आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया कोल जड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी हैगी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैवल मोस्ट ऑफ देयर ट्रैजेक्टरी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। मैं तुहानू दस्सिया थोड़ी देर पहला, बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह जाणगियां, ए पहले तुसी फायर करोगे एटमॉस्फेयर तो बाहर चली जाणगियां, फिर ये एटमॉस्फेयर दे बाहर ही ट्रैवल करदियां मैक्सिमम टाइम, ते फिर एटमॉस्फेयर दे विच रीएंटर करके अपने टारगेट नू हिट करदियां, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करदियां, है ना। तो मैक्सिमम इन्हां दी जिहड़ी ट्रैजेक्टरी हुंदी है ट्रैवलिंग हुंदी है वह आउटसाइड दी एटमॉस्फेयर हुंदी है। तुसी फायर करता एटमॉस्फेयर तो बाहर कढ़ता, यह ट्रैवल करेगी बाद दे विच एटमॉस्फेयर दे विच रीएंटर करके अपने टारगेट नू हिट कर देंदी है। ठीक है, तो ट्रैवल मोस्ट ऑफ द ट्रैजेक्टरी आउटसाइड दी एटमॉस्फेयर, यस। क्रूज मिसाइल्स ट्रैवल क्लोजर टू द ग्राउंड दैन बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही। मैं दस्या सी क्रूज मिसाइल्स तो एयरक्राफ्ट वांग ही हैगे, ठीक है, दे ट्रैवल क्लोजर टू द ग्राउंड। ठीक है, इसे करके रडार थ्रू इसनों डिटेक्ट करना औखा हो जाता है। खैर चलो, ये भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल वेरियंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्रूज मिसाइल्स, ना ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के एग्जाम्पल्स ने। क्रूज मिसाइल के मैं तुम्हें एग्जाम्पल दसे हैं, एक सीगा अपना निर्भय जिहड़ी सबसोनिक मिसाइल हैगी है, ते दूजा हैगा ब्रह्मोस, ये हैगियां साडे कोल जिहड़ी क्रूज मिसाइल्स हैगियां। बाकी तकरीबन साडे कोल ना बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैगियां, अग्नि पृथ्वी धनुष वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट, आंसर इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि 5। नाउ अग्नि दे भी वेरिएंट्स हैगे हैं, ते अग्नि 5 जिहड़ी हैगी है ना उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 5000 किलोमीटर्स। असी जे अपने ओडिशा तो फायर करिए तो ऑस्ट्रेलिया पहुँचा सकते हैं इस मिसाइल नू। ठीक है, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही। केपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स अप टू अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर, यस। इट यूजेस 3-stage सॉलिड फ्यूल्ड इंजन एंड इज अ कैनिस्टराइज मिसाइल, कैनिस्टर दे विच पा के तुसी फायर कर सकते हो इसनों। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, असी कर ही चुके हैं हेलीना, तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट 75 डील्स विद इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन, यस। इंडिया का ना डिफेंस मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट हैगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। इस दे विच ना असी मैक्सिमम सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इंडिया दे विच ही कंस्ट्रक्ट करनी है, बाहरों नहीं इंपोर्ट करानी, इंडिया दे विच कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इंडियन नेवी नू देनी है, इंडियन नेवी दे विच इंडक्ट करानी है। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट 75, बिकॉज असी जानते हैं कि हुण जे असी चाइना नाल टक्कर लेनी है तो इंडियन ओशन दे विच भी टक्कर लेनी पैनी है चाइना दे नाल, बॉर्डर ते नहीं होनी मैक्सिमम लड़ाई, नेवी च भी ओशन दे विच भी होनी है, तो ओशन नू जे असी अपने प्रोटेक्ट करना तो सानू नेवी चाहिए है स्ट्रोंग, इसे करके सानू सबमरीन्स चाहिए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अपनी जिहड़ी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने प्रोजेक्ट 75 लैके आई, तो उस दे विच असी मैक्सिमम सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट करके नेवी नू देनी है। तो इस दे विच ना ज़्यादातर जिहड़ी सबमरीन्स होणगियां वह डीजल इलैक्ट्रिक ही होणगियां क्योंकि सस्ती हैगी ना, छेती बना के तुसी इंडक्ट कर सकते हो। सो यस, डीजल इलैक्ट्रिक सबमरीन्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर लोंगर पीरियड ऑफ टाइम दैन न्यूक्लीयर पावर सबमरीन्स, ना पुठा है। ठीक है, ये नहीं है, न्यूक्लीयर सबमरीन्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर अ लोंगर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ताइयों तो न्यूक्लीयर सबमरीन्स महंगी होंदी है, तो इसका आंसर है ए। ते अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रोवाइडेड इंडिया विद हेरॉन 1 UAV, UAV तो पता ड्रोन्स नू कहिंदे आ,
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰੋਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀਰੋਨ 1 ਤੇ ਹੀਰੋਨ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਰੋਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਰੋਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ USA ਰਸ਼ੀਆ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQs ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ MCQs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ MCQs ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੈਰ That's it from my side, guys. Asi end karde hain is lecture nu. Thank you so much, everyone. I'll see you next time with another set of MCQs. Thank you.